वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीरी पुलिस एहलकार भारतीय मजालिम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और भारतीय फोर्सेस से तसादुम के इतलाफ पर मोदी सरकार ने पुलिस एहलकारों से असलहा वापस लेने का फैसला कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा ने आलमी बरादरी से कश्मीरियों की हालत इजार पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। सुबह और शाम का कर्फ्यू मुसलसल जारी है, नमाज नहीं पढ़ सकते, ईद तो छोड़िए जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते, इस किस्म की उन पर पाबंदियां हैं। और अब तो लेटेस्ट ये है कि मकबूजा कश्मीर की जो पुलिस है उनमें से बहुत बड़ा तबका है जो मुसलमान है और वो परेशान है जब वो लोगों की हालत देखता है और पुलिस जो है तावन करने से कतरा रही है। और आज आप देखें कि बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया है कि पुलिस को उनसे असला वापस लेने का फैसला किया है। ये इत्तलात है कि कहीं कहीं पुलिस की और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके आपस में क्लैशेस हुए हैं। तो ये अगर नौबत है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या होगी।